अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश और मज़े में। तो जी यहाँ पे बन रहा है सुबह सुबह नाश्ता, यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे ब्रेड टोस्ट हो रही है, दूसरी तरफ चाय बन रही है। तो फिर जो है ना बच्चों के लिए और अपने लिए भी नाश्ता साथ साथ रेडी करूँगी। आज काफ़ी दिनों बाद हस्बैंड ने कहा कि उन्होंने नाश्ते में जो है ना अंडा स्लाइस खाना है। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो चलें जी यहाँ पर करते हैं नाश्ता रेडी और फिर टेबल पर मिलते हैं। तो जी मैंने बनाए थे यहाँ पर मीठे टोस्ट बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, और हस्बैंड के लिए अंडा ब्रेड बनाई थी, और साथ में एज इट इज़ मेरी चाय है। तो चले जी यहाँ पे करते हैं फटाफट से नाश्ता। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, तो जी मेरी यहाँ पे फूड पांडा की एडवाइस आ गई है, जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था। तो मैंने कहा मैं फटाफट से इसकी ओपनिंग कर लूँ आपके साथ। तो जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह से ये निकली है, ये डिब्बे में इस तरह से पैक थी, साथ में इसका चार्जर था, साथ में ये थी। तो बस फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से खोला और इसको चार्जिंग पर लगा दिया। तो बस जैसे ही चार्ज होती है तो फिर इसको हम लोग ऑन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना जैसे देखते हैं कि कैसे अभी इसका चलता है, क्या होता है, वो फिर मुझे बाद में ट्रेनिंग देंगे। तो बस ये इसका चार्जर मैंने यहाँ पे लगाया था। तो चले जी यहाँ पर मैं आ गई थी फ्रेंड की तरफ, क्योंकि हमें जाना था बाज़ार, क्योंकि मुझे कह रही थी लैम लाइट पर लगी हुई है सेल, लेकिन मैं होगी लेट, क्योंकि जो सूट वाले लेकर आई थी वो सूट हो गया सेल। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो खैर मैं काफ़ी फिर ढूंढने के बाद फिर मैंने कहा चले अब आई हूँ तो कुछ ना कुछ ले जाऊँ। तो फिर मैंने यहाँ से क्या लिया ये तो मैं आपको जो है ना घर चल के ही दिखाऊँगी। तो चलें जी यहाँ पर बस थोड़ा सा विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो फिर लस्सी जो पसंद आया तो फिर लेके घर चलते हैं। तो चले जी यहाँ पर ना बस मुझे था कि बस घर जाके मैंने अभी कुछ करना है खाने का भी, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस जी यहाँ पर फिर मैं काउंटर पे आई, यहाँ पर फिर बिल हुआ, तो जी बिल करवा के फिर उसके बाद मैं घर आ गई। यहाँ पर रास्ते में से लेके आए थे आलू वाले नान, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था। तो बस जी यहाँ पर ये करते हैं हम अपना डिनर, और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग अपना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ लैम लाइट से। तो चले जी यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में, तो बस जी यहाँ पर करते हैं आपको दिखाते हैं। तो जी यहाँ पर मैं लेके आई थी कैप्सूल, और कैप्सूल जो है ना बस मुझे बड़ी पसंद आई तो मैंने ले ली। इसमें मैं उनसे कह रही थी कि मुझे स्किन कलर मिल जाए, ऑफ वाइट मिल जाए, वो कहने लगे नहीं जी हमारे पास ख़त्म हो गई, ये लास्ट पीस रह गया। तो जी यहाँ पर ये मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये जो आप इसके देख रहे हैं साइड पर ये फर्सी लगी हुई इस कदर नरम थी, और ये बॉल्स जो थी इस कदर नरम थे, मुलायम थे, कि मेरा बेटा बार 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 इसको पकड़ रहा था, और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। और खैर ये मस्टर्ड कलर भी बहुत अच्छा है, इसमें जो है ना उन्होंने बीड्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो ये जो है ना 5000 की लेकर आई हूँ, तो जो काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई। तो ये बस सेल में थी, तो मैंने कहा चले जी हम लोग ये ले लेते हैं। ये मुझे आप आगे भी देखेंगे, मैंने आरब वाला जाना है, वहाँ पर मैं जो है ना इसको लेकर जाऊँगी। तो चलें यहाँ पर मैं अब इसको संभालती हूँ और आपको दिखाती हूँ अपनी बेडशीट। अच्छा जी, तो ये मेरी बेडशीट है, तो ये मैं जो है ना संडे बाज़ार से लेकर आई थी, साथ में इसका पिलो कवर है इसी तरह से। तो मुझे इसकी कलर स्किन बहुत अच्छी लगी थी, जैसे ही मैं बिछाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैंने कहा ये मैं दिखा दूं। हस्बैंड मेरे यहाँ पे लेके आए थे लॉलीपॉप, और मुझे कहते हैं हमें इसको बचपन कहते थे छुपा। मैं बहुत हंसी, मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चले जी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप लोग बचपन में इसको क्या कहते थे। तो चले जी यहाँ पर हम लोग मेरा हस्बैंड और बच्चे करते हैं लॉलीपॉप इन्जॉय। फिर हस्बैंड यहाँ पर जो है ना मौसमी ले आए, तो बस फिर मैंने इसमें से फटाफट से एक मौसमी निकाली और फटाफट से कट की और नमक लगाया ऊपर, और मैंने कहा चले जी यहाँ पे इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉल्ट ऊपर डाला था, और जी यहाँ पर दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। तो आज जो है ना हमने जाना है कहीं पर, कहाँ जाना है ये तो मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। तो बच्चे बड़े आज खुश खुश गए थे, क्योंकि आपको पता है कहीं जाना हो और कुछ हो तो बच्चे जो है ना बड़े खुश होते हैं। तो चले जी यहाँ पर फटाफट से हम लोग एंटर होते हैं घर के अंदर, और फिर जो है ना आपको दिखाते हैं। जी यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी रेडी कर ली थी, मैंने आपको बताया था मेरी अम्मी ने मुझे सूट दिया, मैंने उनसे लिया था। मैंने कहा अम्मी अब आप, क्योंकि वो कह रही थी मैंने पहना नहीं, मैंने कहा आप मुझे दे दें। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह से चिकन का है, और इसके ऊपर जो है ना ये लेस वगैरह भी लगी हुई है, और इतना शाइनी शाइनी ये सिल्क का सूट है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो जी यहाँ पर मैंने हस्बैंड के भी कपड़े रेडी कर लिया, और मैंने सोचा कि मैं जो है ना क्यों पीछे रहूं, कि मैं हस्बैंड के भी कपड़े अपने साथ मैचिंग मैचिंग कर लेती हूं। तो मैंने उनकी ये शर्ट निकाली, मैंने कहा चलें जी ये शर्ट जो है ना मेरे सूट के साथ मैच हो जाएगी तो अच्छा लगेगा,
कि हम दोनों एक जैसा सूट पहन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने खाना पीना भी रेडी कर लिया था, बर्गर्स रेडी कर लिए थे, साथ वेजिटेबल राइस मैंने रात में ही रेडी कर लिए थे तो बस मैंने वो भी गर्म करके रख लिए, साथ चाय भी मैंने रेडी कर ली, साथ में मैंने डिस्पोजेबल बर्तन भी निकाल लिए थे और मैं यहाँ पर डिस्पोजेबल स्पून भी लेकर आई थी, बस वो भी मैंने निकाल लिए, बस इनको फटाफट से डालते हैं शॉपिंग में और फिर उसके बाद जो है ना फटाफट से बस निकलते हैं क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे बहुत ज़्यादा लेट हो गया ऑलरेडी। और जी यहाँ पर ये देखे जी मैंने जो है ना ये वाले शूज़ पहने थे तो ये जो है ना मेरे इसके साथ मैच हो गए थे तो मैंने कहा चले जी यहाँ पर ना मैं ये शूज़ पहन लेती हूँ और रेडी हो गई थी बस फिर। और बाय चांस ही वैसे मैच हो गया था, मैंने कोई ऐसा आइडिया नहीं था मेरा, तो बस यहाँ पे ये सब कुछ मैंने इसमें डाल लिया है तो चले जी उठाते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। हम लोग आए थे इधर जॉयलैंड, तो बच्चे पहले पहुँच गए थे अपने स्कूल के साथ तो बस फिर हम लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सारे सुबह में स्कूल जाते हैं और 2 बजे के बाद जो है ना फिर बाकी पेरेंट्स वगैरह कोई आ सकते हैं। तो खैर हम लोग फिर उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं माने, फिर हमें मजबूरन बाहर ही बैठना पड़ा। वैसे काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट लगा है, मैंने तो बाहर से ही देखा, अभी मैं अंदर नहीं गई। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कभी मेरा जाना हुआ तो मैं आपको जॉयलैंड अंदर से भी दिखाऊंगी। तो क्योंकि ना यहाँ पे इतनी सख्त सिक्योरिटी है ना कि वहाँ आप यहाँ पे स्कूल के साथ अगर बच्चों को भेजते भी हैं तो कोई आपको डर फिक्र नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो बहुत अच्छा जो है ना यहाँ का इंतज़ाम है। तो हम लोग बस यहाँ पर बाहर पार्क में बैठ गए थे, काफ़ी अच्छी ग्राउंड थी, ये भी काफ़ी बड़ी थी, तो बस यहाँ पर सिटिंग एरिया भी था तो बस मैं और हस्बैंड यहाँ पर आके बैठ गए थे। तो धूप भी बस हल्की फुल्की निकली हुई थी तो बस फिर हमने कहा कि चलें अब हम यहाँ पर करते हैं अपना नाश्ता करते हैं। तो जी यहाँ पर मैं बर्गर्स घर से जो बना के लाई थी वो हमने निकाल लिए थे, साथ में चाय हमने डाल ली थी अपने अपने कप्स में और साथ में मैं बिस्किट भी ले आई थी तो वो भी बस हमने निकाले, हमने हमने नाश्ता किया बस। फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे बस इधर उधर जो है ना फिरी भी थोड़ा सा, तो बस हस्बैंड के साथ बातें करने के बाद फिर मैंने जो है ना काफ़ी देर हो गई थी, फिर हम लोगों ने यहाँ पे राइस निकाले, वो खाए, हस्बैंड यहाँ पे डाल रहे थे अपने लिए चाय, तो मैंने उनसे हंसी में कहा कि मैं मेरे लिए डाली है, वो कहने लगे देखे मैंने आपके लिए पहले ही डाल के रखी हुई है। तो वो ना बस यहाँ पर ना मुझे झांसा दे रहे थे कि ये देखो अब मैं और डाल रहा हूँ तो बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने अपनी चाय पी और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये देखे जी काफ़ी स्कूल्स यहाँ पर आ रहे थे क्योंकि बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा करते थे पहले, फिर उसके बाद यहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते थे और चले जाते थे। मेरे बच्चे काफ़ी लेट निकले थे क्योंकि काफ़ी स्कूल्स यहाँ पे आए हुए थे और इस वजह से जो है ना काफ़ी लेट हो गया था। तो जी यहाँ पे ये देखे जी हमारे इर्द गिर्द के जो कौवों का हजूम, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ये इस तरीके से अटैक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हमें उठा के साथ ले जाएंगे। तो बस जी यहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं कतार बनी हुई, एक स्कूल था, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर बिरयानी दी थी खाने के लिए और आपको पता है ये गोश्तखोर जानवर होते हैं तो इन्होंने ना अटैक कर दिया। मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं वो बच्चों को कुछ ना कर दे, तो बस बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे इकट्ठे हो गए और आप ये देखिए एक कौवा जो है ना काएं काएं करके सब कौवों को इकट्ठा कर लेता है। तो बस फिर यहाँ पर मेरे बच्चे भी बाहर आ गए थे, इनका स्कूल भी आ गया था, तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो बस यहाँ पर हम लोग तो खैर बाइक पर जाएँगे, बच्चे जो है वो स्कूल की वैन पर ही जाएँगे क्योंकि जिस तरह आए थे वैसे ही जाएँगे। तो बस फिर हमने कहा कि चले जी हम लोग निकलते हैं। तो बस फिर यहाँ पर जो है ना बच्चे घर आ गए थे, फिर मेरा ना ऑफिस से फ़ोन आ गया तो यकदम मैंने हालांकि चेंज कर लिया था लेकिन फिर से दोबारा से फिर रेडी हुई, वही कपड़े पहने और बस फिर मुझे जाना पड़ा क्योंकि ऑफिस से कॉल आई थी तो कुछ काम था। बस फिर यहाँ पर मैं ऑफ़िस पहुँच गई थी, बस यहाँ पर अपना काम ख़त्म करूँगी और फिर घर जाऊँगी। बस सम टाइम होता है कि आप काफ़ी थके भी होते हैं तो आपको बस कुछ काम करना पड़ जाता है, बस क्या कह सकता है इंसान, तो फिर काम तो काम ही होता है ना। तो चलें जी यहाँ पर बस मैंने थोड़ा बहुत जो है ना मैंने कहा चलें मेरा कुछ काम जितनी देर हो रहा है मैं आप लोगों के लिए ना थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। अच्छा जी तो यहाँ पर मैं घर आ गई थी तो मैंने आते ही जो है ना चाय बनाई, साथ में ये बिस्किट लेके आए थे और ये साथ में जो है ना हस्बैंड बर्गर ले आए थे क्योंकि वो कहने लगे अब घर तुम क्या बनाओगी और काफ़ी थक गए थे, थोड़े से चावल पड़े हुए थे लेकिन मेरा दिल नहीं था खाने को। तो बस फिर यहाँ पे हस्बैंड जो है ना सबके लिए बर्गर्स ले आए थे, सब ने ले लिया था तो यहाँ पर ये मेरा बर्गर था, मैंने कहा फटाफट से मैं इसको खोलूँ क्योंकि ना मेरी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी तो मैंने कहा खा के ना बस मैं अब लेटने की करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बच्चों ने तो भाई अपना हिस्सा ले लिया था तो जो है ना बच्चों ने यहाँ पे पापा से कह के ना कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली थी, उन्होंने तो कोल्ड ड्रिंक के साथ खाया, मैंने तो खैर चाय के साथ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चाय की वो हो रही थी तलब, तो आपको पता है मैं तो चाय की वैसे ही बड़ी शौकीन हूँ। तो चलें जी यहाँ पर हम लोग जो है ना आज रात का हमारा डिनर भी यही हो जाएगा और जो है ना बच्चे भी खा लेंगे। यहाँ से हमारी नेक्स्ट डे की सुबह स्टार्ट होती है। तो जी यहाँ पर मैं जो है ना हस्बैंड के साथ जा रही थी नाश्ता लेने के लिए तो मैंने कहा चले जी मुझे भी साथ ले जाए, उन्होंने कहा चले आए जी फिर निकले आप भी। तो यहाँ पर जी ये तंदूर में नान लग रहे थे गर्मा गर्म तो मैंने कहा चले जी मैं वीडियो शूट कर लूँ, तो मैंने कहा कि अच्छा लग रहा है यहाँ पर नान लग रहे हैं किस तरीके से देखें। तो जी यहाँ पर नान चने हमने लेकर आए थे और साथ में अंडा बॉयल
तो बस फिर यहाँ पे करते हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद जो है ना बनाते हैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय। तो फिर ये देखे जी चाय भी हमारी होगी रेडी। तो बस जी यहाँ पे चाय पी, फिर उसके बाद जो है ना अचानक से प्रोग्राम बन गया बहन की तरफ जाने का। मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर मेरी मुझसे छोटी वाली सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने कहा आप भी आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग भी आते हैं। और बस फिर हम लोग जो है ना फटाफट से वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है ना ये बनाने लगी थी करेले। हम लोग करेले इस तरीके से बनाते हैं कि हम लोग कीमा जो है ना बहुत करेलों में भरते हैं, लेकिन हम लोग ना धागा नहीं लपेटते क्योंकि हम इसको कट नहीं लगाते, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा काट के तो फिर हम लोग करते हैं। तो ये डाल रही थी तो मैंने कहा चले, मुझे भी अचानक से याद आए छोटे छोटे करेले थे तो ये इस तरीके से ना, क्योंकि सीज़न में नहीं है तो इसलिए फिर जो है ना इस तरह से मिल रहे थे तो ले लिए। तो बस जी जो बाकी बचे थे वो हम लोगों ने कट कर लिए, क्योंकि ऊपर का जो होता है वो हेड उतारते हैं वो भी बीच में था, फिर थोड़े बहुत जो है ना आपको पता है कट हो जाते हैं, तो वो फिर हम लोगों ने कटिंग कर लिए। तो बस जी यहाँ पर सालन हो गया था रेडी। तो बस फिर साथ में गर्मा गर्म तंदूर की रोटियाँ थी और साथ में ये सालन था। तो बस फिर मैंने खाया और यकीन करे बड़ा ही मज़ा आया, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया। तो बस फिर हम तीनों सिस्टर ने यहाँ पे बैठ के बच्चों के साथ खाना खाया। फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने कहा कि अम्मी की तरफ चलते हैं, तो अम्मी की तरफ गए तो अम्मी ने यहाँ पे ना भाभी ने बना ली चाय। तो बस जी हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी, बस थोड़ी देर ही मैंने स्टे किया, फिर उसके बाद घर की तरफ निकली। तो यहाँ पे जो ये मेट्रो स्टॉप पे हम लोग उतर गए थे, तो जी यहाँ पर मैं जो है ना बच्चों के साथ फटाफट से नीचे जाऊँगी, यहाँ पे हस्बैंड आए हुए थे। तो बस जी यहाँ पे मूँगफली नज़र आ गई तो मैंने सर्दी और मूँगफली ना हस्बैंड से कहा मुझे ले दें, और साथ में थोड़ी सी हमने मकई भी ली थी वो गुड़ वाली। तो बस यहाँ पे मैं घर आ गई थी, फिर मैं बिस्तर में बैठ गई। आप में से किस किस को पसंद है बिस्तर में बैठ के सर्दी में मूंगफली खाना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों का जो है ना इंतज़ार करूँगी कि आप लोग भी मुझे बताएँ। तो जी यहाँ पर ये देखिए ये मकई भी मैं आपको दिखा रही हूँ गुड़ वाली, और साथ में है मूँगफली भी। तो जी मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है बिस्तर में बैठ के सर्दियों में खाना। तो चले जी यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में कुछ रखे, आबाद रखे, हर नगानी पास से जिसमें के सर से बचाए, हाथ से कसर से बचाए, अल्लाह पाक कभी भी किसी को बताया ना करे। अमीन सुम अमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।